अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे स्टेडियम में हड़कंप मच गया। फाइनल मैच के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए एक दर्शक विराट कोहली से मिलने के लिए जबरन मैदान में घुस गया। शख्स ने मुंह पर मास्क लगाकर और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाली टी शर्ट पहनी थी और हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए था। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद सिद्ध कोहली भी हैरान रह गए, क्योंकि शख्स ने मैदान में घुसने के बाद विराट कोहली के पास पहुंचकर उनके कंधे पर हाथ रखा। इस दौरान वो उनके कंधे पर लटक गया। हालांकि विराट ने खुद फैन को अलग किया, मगर इस तरह फैन के स्टेडियम में घुसने से नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आनन फानन में मैदान में तैनात सुरक्षा कर्मी उसको पकड़ कर बाहर ले गए और पुलिस को सौंप दिया, जिसे अहमदाबाद की चांदखेड़ा थाने ले जाया गया। स्टेडियम के सुरक्षा घेरे को तोड़कर मैदान में घुसने वाले शख्स का कहना था उसका नाम जॉन है और वो ऑस्ट्रेलिया से है, साथ ही विराट कोहली से मिलने के लिए ही मैदान में घुसा था। इसके अलावा उस शख्स ने कहा कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है। Why are you entered in the stadium? Yeah, well, not so much Virat Kohli. What? To go like meet up with Virat Kohli. And what's your demand? Why are you wearing Palestine t-shirts? Because of protests with the war and stuff, Israel and Palestine. But you also support Palestine. Why are we doing this? इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मुकाबले में भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए लोग हाथ में झंडा लिए दिखाई दिए थे। बता दें कि बीते कई दिनों इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये सिलसिला जारी अभी भी है।